हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दोबारा से एक मटर मशरूम की रेसिपी, लेकिन इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। इसको हम बनाएंगे कीमा स्टाइल। देखिए, उसके लिए मैंने ले लिए हैं चॉप प्याज। चॉप करना है, पीसना नहीं है। हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, सब चीज़ें चॉप की हैं हमने, पीसा कुछ भी नहीं है। और आधा किलो ये मटर मैंने छील लिया। आप भी बनाते हो, आप अपने हिसाब से ले लें। और 250 ग्राम के आसपास मैंने ले ली है मशरूम। मशरूम का सीज़न है और मटर का भी है, तो सीज़न ऑफ होने पे भी मिलती हैं दोनों चीज़ें, लेकिन जो फ्रेश चीज़ का टेस्ट आता है वो तो देखिए अलग ही होता है। तो चलिए, ये मैंने ले ली है। अब मैं इसको, मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें मैंने इसको अच्छे से धो लिया। एक मिनट भिगो के रखा और फिर ऐसे हाथ से ऐसे धीरे 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 ऐसे रगड़ के साफ़ कर लिया। और कितनी साफ़ सुथरी मेरी मशरूम है, तो मैं इसको कट कर लूँगी जैसे मैंने बोला था। नीचे वाला पार्ट आपने कट कर लेना है। देखिए, मैंने कर लिया है, ये वॉश करने से हो गया, वैसे ये साफ़ है। जहाँ पे काला पार्ट लगे ऐसे उसको निकाल दें आप। ठीक है, अब इसको कट कैसे करना है देखिए। कट हमने करना है ऐसे, और एकदम बारीक, जैसे हम चॉप करते हैं ना, ऐसे हम इसको चॉप करेंगे। एकदम साफ और क्लीन मशरूम है मेरा। और मशरूम आप जब भी ले तो उसको ये ना सोचे कि मैं इसको कल बनाऊंगी या मैं इसको परसों बनाऊंगी, ज़्यादा डिले मत करें। नहीं तो ये रखा रखा, जितनी मर्जी आप साफ ले लें, आप उसको नहीं यूज़ करेंगे तो वो रखा रखा काला पड़ जाएगा। देखिए मेरा मशरूम कितना अच्छा है, मैं इसको कल ही लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो मेरा मशरूम ख़राब हो जाएगा। देखिए, इतना चॉप कर लेना है हमने बारीक बारीक। व्यूअर्स, ऐसे ऐसे हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। सारे मशरूम को मैं ऐसे कर लूँगी। व्यूअर्स, कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, खास करके सूखी सब्ज़ी। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा। जितनी रेसिपी सिंपल है ना, उतनी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद है। मैं इसमें लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप इसमें लहसुन का यूज़ कर लें। अनियन, और सब्ज़ी बनाने में इसमें, इस रेसिपी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे अपने प्याज को। प्याज को चॉप ही ले आप। देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा हमारा ये प्याज भून चुका है। इसमें ऐड कर देंगे अपना अदरक और हरी मिर्च। बस हमें ऐसा ही प्याज चाहिए अपना, अच्छे से। बड़ा सुंदर सा कलर आया है, ना हमने जलाया है ना हमने कच्चा रखा है इसको। मैं इसमें अब ऐड करूंगी अपने पहले मटर। मीठे ले, खा के देख ले। वैसे तो मोस्टली छोटे वाले मटर मीठे होते हैं, लेकिन आजकल फ्रेश मटर है तो ये जो मोटे लगते हैं ये भी मीठे ही होते हैं। मीठे मटर में ही स्वाद आएगा, पके हुए में, और जो जिसमें मीठापन नहीं होता है बिल्कुल भी टेस्टी सब्जी नहीं बनने वाली आपकी। 2-3 मिनट हम ऐसे पका लेंगे पहले मटर को। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने चॉप टमाटो। साई सब्जी अब तक हमने इसको हाई फ्लेम पे बनाया है, मीडियम फ्लेम लो बिल्कुल भी नहीं किया है। और टमाटर डाले हैं, तो अब मैं डालूंगी इसमें बाकी मसाले। 1 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर। तो मैं डालूंगी पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जितनी सिंपल रेसिपी है ना व्यूअर्स, उतनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, आप ट्राई ज़रूर करें। यूनिक सी रेसिपी है, आपकी फेवरेट बन जाएगी, भूल जाएंगे जब आप ये खाएंगे एक बार। और मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी मटर मशरूम की, इतनी टेस्टी
सब्जी थी वो व्यूअर्स कि मटर पनीर को भी पीछे छोड़ दे, उसको भी आप ट्राई ज़रूर करना। मटर मशरूम की जो रेसिपी मैंने डाली थी, देखिए अभी तक मैंने इसमें कोई पानी वानी ऐड नहीं किया है। अभी इसको हम 2 मिनट पका लेते हैं, फिर अपनी मशरूम को इसमें ऐड करेंगे। 4-5 मिनट मैंने इसको पकाया है और टमाटर मेरे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, बाकी कमी होगी और पक जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी मशरूम। अच्छे से मिला देंगे इसको। पानी नहीं डालेंगे, मशरूम में अपना ही मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, ये खुद ही पानी छोड़ देता है। कितना सुंदर सा कलर आया सब्जी में हमारी। अब हम इसको करके पकाऊंगी 5 मिनट, 5 से 7 मिनट बाद मैं इसको दोबारा चेक करूंगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट पकाया हमने इसको और ये देखिए मॉइस्चर हमारी सब्जी में, ये देखिए 5-7 मिनट हमने और पका लिया इसको और सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। सुंदर सा कलर देने के लिए मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी, जैसे हमने इसको तेल में बनाया है तो थोड़ी सी क्रीम हम डाल देंगे। घर की है मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें तेल से बनाई है, और एक कलर बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इसमें। थोड़ा सा इसमें देखिए, सिर्फ मैं इसको अब 2-3 मिनट और पका के मैं बंद कर दूँगी। आप इसमें हरा धनिया डालिए, इसमें गरम मसाला, इसमें आप डाल सकते हैं मैगी मसाला। कितना अच्छा क्रीमी और कितना अच्छा सा सुंदर कितना कलर आया है। हल्का सा मॉइस्चर ये देखिए जो इसमें है, हम इसको भी थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। 2 मिनट और पकाती हूँ इसको मैं। व्यूअर्स, 5-7 मिनट मैंने टोटल, हमने इसको सब्जी को 10 से 15 मिनट आप समझ ले 10 या 15 के बीच में हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। और देख सकते हैं आप कितना सुंदर कलर, कितना सुंदर टेक्सचर, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद, बहुत टेस्टी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस देखिए, मैं आपको मेरे साथ शेयर करना ही पड़ेगा। सो बनाइए, खाइए और रिया को बताइए कि आपको ये मशरूम मटर मशरूम कीमा की रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए आपकी फेवरेट बन जाएगी, आप गर्मा गर्म रोटी के साथ और परोठी के साथ खाए और इन्जॉय करें मटर मशरूम कीमा की ये रेसिपी। आई होप व्यूअर्स ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो आपको पता ही क्या करना है, यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।